पर घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, दोनों पायलट सुरक्षित हैं। सेना का राहत हेलीकॉप्टर मौके पर इस वक्त पहुंच चुका है। घटना के बाद एयरफोर्स का राहत ऑपरेशन जारी है। विमान हादसे में जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, दोनों के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। इंडियन एयरबेस से विमान ने उड़ान भरी थी, चूंकि 8 तारीख को एयरफोर्स डे है और उस दिन बड़ी तैयारी की जाती है। सभी के लिए बड़ा दिन है, एयरफोर्स के जवानों के लिए। उसी की तैयारी के मद्देनजर इन्होंने उड़ान भरी थी, ये प्रैक्टिस कर रहे थे। टेक्निकल एरर हुआ, प्रॉब्लम हुई और ये विमान क्रैश हुआ बागपत के जंगलों में। पायलट ने बहुत सूझबूझ से काम लिया, ये रिहायशी इलाके में क्रैश नहीं हुआ, बहुत हिम्मत से काम लिया और पायलट भी सुरक्षित है और ये खेत में गिरा है। और दो अहम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना का ही हेलीकॉप्टर इस वक्त पहुंच चुका है मौके पर और ये दोनों पायलट सुरक्षित है जो विमान क्रैश हुआ है। ये वो तस्वीर है पहली, और दूसरी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिंडन एयरबेस से सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है मौके पर। देवेंद्र सिंह चौहान आगे का अपडेट वो देंगे कि क्या स्थिति है वहां पर। देवेंद्र बताइए। जी राहुल, जिस तरीके से यान को क्रैश होने की सूचना मिली, सूचना मिलते ही बागपत के आला अधिकारी मौके के लिए दौड़ पड़ते हैं और मौके पर पहुंचकर सारे मामले को देखते हैं और इसकी जानकारी इंडियन एयरबेस के जो अधिकारी है उनको पहुंचती है। तो वहां से एक हेलीकॉप्टर आता है। फिलहाल जो अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं, जो कि बात कर रहे हैं, जो पायलट है उनसे बात करें, उन्होंने बताया कि टेक्निकल कारण, खराबी होने के कारण वो यान से पैराशूट लेकर कूद गए थे, जिसके कारण प्लेन जो यान है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अभी जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। हालांकि जिस समय हमारी एसपी शैलेश कुमार पांडे जी से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि किसी को हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है और बाकी जांच करी जा रही है और देख रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए देवेंद्र सिंह चौहान आपका। तो देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पायलट दोनों सुरक्षित हैं और वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी यहां आ गया है और राहत बचाव कार्य चल रहा है। और एक बार फिर से आपको दो तस्वीरें दिखला देते हैं। दोनों तस्वीरें बेहद अहम है, दोनों पायलट सुरक्षित हैं। आज बागपत में वायुसेना का एक छोटा विमान क्रैश हो गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर नंबर एक। तस्वीर नंबर दो, सेना का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, दोनों पायलट सुरक्षित हैं, ये अच्छी बात है। दिल्ली से बड़ी खबर है, राम मंदिर पर